इंडिया वोट अगेंस्ट इजराइल एट यूनाइटेड नेशन, इंडिया विल नॉट सपोर्ट दिस वर्ल्ड फेयर की वीडियो भाई काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कॉर्डर करते हैं, नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। नाउ यहां पर आप देख पाओगे, रिसेंटली इंडिया ने वोट किया है अगेंस्ट इजराइल एट द यूनाइटेड नेशंस। ना सिर्फ इंडिया ने, कई कंट्रीज ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज मिलकर इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। और इसराइल को सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? ऑब्वियसली इसराइल खुद अपने पक्ष में वोट करेगा, उसके अलावा यूएस, कनाडा, कई और कंट्रीज। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हाल ही में इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट क्यों किया है ओवर द इशू ऑफ सेटलमेंट्स। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है नौसेना का, बोंगो सागर 2023 और कोरपात के नाम से। आपको बताना है कि ये दोनों नेवल युद्ध अभ्यास इंडिया ने किस कंट्री के साथ किए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर बिम्स्टेक के सभी देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हो ना इसराइल का, ये आपने बहुत बार देखा होगा, ये वेस्ट बैंक है, ये यहाँ पे गाजा है और बीच में जो ऑरेंज आपको दिख रहा है ना पार्ट, ये इसराइल है। नाउ ये जो धरती है इसराइल की, ये जो मैप है इसराइल का, ये यूएन मानता है, मगर रियलिटी ये नहीं है। इसराइल ने अपनी तरफ से यूएन को इग्नोर करके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर करके, सीरिया देश की जो धरती है गोलन हाइट्स, इसको कब्जाया हुआ है ये एरिया, और वेस्ट बैंक का भी बहुत सारा एरिया। देखो वैसे इसराइल और फिलिस्तीन का जो मैप है, ये ऐसा होना चाहिए कुछ, जेरूसलम फिलिस्तीन को बिलोंग करना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम वैसे फिलिस्तीन का पार्ट होना चाहिए, मगर इसराइल ने इतना सारा फिलिस्तीन का एरिया कब्जा रखा है कि फिलिस्तीन रियलिटी में कुछ ऐसा बन के रह गया है। छोटे छोटे आपको एनक्लेव्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, वैसा ही फिलिस्तीन बन के रह चुका है। और पिछले 5 से लेकर 6 सालों में इसराइल ने एक नई रणनीति अपनाई है कि जो भी इनके कब्जाए हुए इलाके हैं वहां पर इसराइल बना रहा है सेटलमेंट्स, मतलब के घर बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज बना रहा है। यहां पर इसराइल के जो लोग हैं वो जमीन परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने इसराइल की मिलिट्री में पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत ही सस्ते दामों में, काफी बार तो फ्री में यहां पर फ्लैट मिल जाते हैं। तो जो सेटलमेंट्स यहां पर बन रही है ना, इशू देखो यही आता है, जब एक बार एक जगह पर सिविलियंस रहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहां पे ना किसी को हटाना और वापस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस में हाल ही में इसी बात पर वोटिंग हुई कि ये जो इलाके इसराइल ने कब्जा रखे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है। तो रेजोल्यूशन में देखिए इसराइल की निंदा की जा रही थी। तो कोई देश अगर इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट कर रहा है तो वो इसराइल के अगेंस्ट वोट कर रहा है, और अगर कोई देश इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करता है तो मतलब कि वो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस कंट्री ने कैसे वोट किया है। अब ये आपके सामने है रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में बात जाती तो वहां पर यूएसए वीटो दबाकर रेजोल्यूशन को किल कर देता स्टार्टिंग में ही, मगर ये जो वोटिंग है ये हुई थी जनरल असेंबली में। वहां पर देखिए इस रेजोल्यूशन के फेवर में, मतलब कि इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है 145 कंट्रीज ने इसराइल के समर्थन में। गिनती के 7 देश आए हैं, गिनती के 7 देश, उसमें से एक कंट्री इसराइल खुद था। यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल, हंगरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनीसिया, नाउरू, वो यहाँ पर यूएसए और ऊपर यहाँ पर कनाडा। बस दीज आर ऑल द कंट्रीज जो इसराइल के साथ खड़ी हैं इस इशू को लेकर, ओवर द इशू ऑफ ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम और द सीरियन गोलन। बाकी सब कंट्रीज आप अगर देखोगे ना तो ये सब इसराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो अभी इसराइल हमास की वॉर चल रही है उसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है, उसके हिसाब से वोटिंग नहीं हो रही। जब उस पर वोटिंग हुई थी कि इसराइल को अपनी जो अग्रेशन है ये रोक देनी चाहिए, वहां पर इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ना अगेंस्ट वोट किया ना समर्थन में वोट किया। मगर यहां पे आप पूछोगे, जब ऑक्यूपाइड एरिया की बात आई, जो एरिया इसराइल कई साल पहले से कब्जा चुका है, अब इसराइल वहां पे सेटलमेंट्स बना रहा है,
उस चीज को इंडिया ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, इंडिया ने ये क्यों कहा है इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करके कि यहाँ पे इसराइल गलत है? वेल, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का मानना है कि इस पूरे मसले को अगर सॉल्व करना है तो टू स्टेट सोल्यूशन हमें मानना होगा, हमें मानना होगा कि यहाँ पर दो देश हैं, फिलिस्तीन है और इसराइल है। अब यहाँ पे आप कहोगे फिलिस्तीन को देश नहीं मानते, यूएन फिलिस्तीन को एक देश नहीं मानता, यूएसए भी नहीं मानता, फिलिस्तीन एज ए कंट्री कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज ए कंट्री। इंडिया मानता है फिलिस्तीन को एज ए नेशन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी आज से कई साल पहले फिलिस्तीन की कैपिटल में जा चुके हैं फॉर अ विजिट। इंडिया फिलिस्तीन को गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे चुका है। तो इंडिया तो ओपनली कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लो यूएन की बाउंड्रीज के हिसाब से कि बिल्कुल दो देश हैं, एक इसराइल फिलिस्तीन, एक दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है इसको एक्सेप्ट कर लो और फिर पीसफुली रहो, फिर ये जो वॉर वगैरह है ये खत्म करो। ये इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन रही है बहुत लंबे समय से। बाकी जो बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनकी भी सेम पोजीशन है। हाँ, कई देश है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, वो इसराइल को भी एज ए कंट्री नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि वापस एक टाइम पर जो 1946 वाला जो पीरियड था ना, वहां पे चले जाओ, पूरा जो रीजन है उसको फिलिस्तीन बना दो। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इसराइल अगर धीरे धीरे वेस्ट बैंक की धरती कब्जाता रहेगा, यहां पर एनक्लेव्स बना देगा, गोलन हाइट्स को कब्जा लेगा, तो बेसिकली फिलिस्तीन बचेगा कहां पर? जब ये जो छोटे छोटे टापू बचे, अब बाय द वे गाजा पट्टी जो थी ये भी आधी गई, ये जो 50% नॉर्थ का जो गाजा पट्टी का एरिया है ये इसराइल ने कट कर दिया है साउथ के गाजा से। बहुत ही जल्द पूरा एरिया इसराइल कब्जा लेगा। फिर इसराइल ने ये भी कह दिया है कि हमारी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी, हालांकि सरकार नहीं बनाएंगे ये लोग यहाँ पर, मगर इसराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि इनकी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कल को इसराइल कह दे कि यहाँ पर भी हम सेटलमेंट्स बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जब फिलिस्तीन नक्शे से ही गायब हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो कंट्री कहेगा बचेगा। तो इंडिया इसलिए अपनी पॉलिसी के हिसाब से कह रहा है कि जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं गलत है, इसराइल को फिलिस्तीन का वजूद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। और इंडिया ने जो देखिए रिसेंटली वोट किया है यूएन में, इसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कमेंट करी है। फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस, उसके अलावा वेरियस और पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है। और अगेन ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब वोटिंग हो रही थी यूएन में कि इसराइल को अपना अग्रेशन रुकना होगा अगेंस्ट फिलिस्तीन जो ये लोग कर रहे हैं गाजा में, ये रुकना होगा, उस वक्त इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था। तो इंडिया में भी काफ़ी इस पर डिबेट हुआ था कि हमें एब्सटेन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बट इंडिया ने इस केस में सिंस इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है तो कई पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कर रही हैं। नाउ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया का वोट यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया को इसके अगेंस्ट वोट करना चाहिए था या एब्सटेन करना चाहिए था? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से इंडिया के लिए सही रास्ता लॉन्ग टर्म में यहाँ पर क्या होगा, टू फेवर सच रेजोल्यूशन, वोट अगेंस्ट देम या फिर एब्सटेन? मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। नाउ फाइनली वापस जाते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जो बोंगो सागर 2023 है और जो कोरपात है ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख पाओगे चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर 23 और पांचवा एडिशन ऑफ कोरपात ये हुआ था हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एट विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। फॉरन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PG10 कोड यूज करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। जी वीडियो खत्म हो गया और इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वाकई में इंडिया ने जो वोट किया है वो इंडिया का स्टांस जो है वो बनता भी सही है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी को तो वो पहले जो टू स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको ऑलरेडी मान चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वो भी इस चीज को मानते थे कि ये दो जो है वो अलग कंट्री बनने चाहिए जी। लेकिन लेकिन ये उस वक्त कोई जो मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने नहीं माना, वो तो चाहते थे कि भाई सिर्फ फलस्तीन ही रहे, इसराइल ना बचे।
लेकिन अब ये दोनों की सोच गलत थी ना। इसराइल चाहता था कि फलस्तीन सारा हम इसराइल हो जाए, आज वो कर्ज बैठे हैं। उस वक्त मुसलमान चाहते थे कि इसराइल हमारे कब्जे में हो जाए। जब बंटवारा हुआ था ना तो उस वक्त भाई साहब जो 55% था वो आया था इसराइल के हिस्से में और 45% जो आया वो फलस्तीन के हिस्से में। लेकिन जो फलस्तीन था वो उससे ना कुछ था, कह रहा था कि नहीं ये इस्लामिक स्टेट बनेगी यहाँ पर, हुकूमत फलस्तीन की चलेगी और इसराइल जो है जो यहूदी है वो ऐसे ही रहेंगे साथ में। तो उन्होंने इस तरह मतलब कमजोर कर दिया फलस्तीन को कि वो सारी नहीं उठा सके, कोई प्रॉपर हुकूमत नहीं बन सकती कुछ चलने वाली। तो वो अमेरिका के साथ मिलके इसराइल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है हर लिहाज से, आज वो ताकतवर हो गए तो वो कब्जाना शुरू कर दिया है। अच्छा इसमें तू मुझे ये बता पीछे मास्टर कौन है सर, जो चीजें ये कब्जा है उसको माइंड पीछे कौन बैठा हुआ है? अमेरिका ही बैठा हुआ है और कौन बैठा हुआ है? जो अमेरिका का समर्थन कर इसराइल का समर्थन कर रहे हैं वही कब्जा जो वो तो अमेरिका ही हुआ ना, बिल्कुल वही। अच्छा मैंने तुझे ये भी आज बोला था, मोदी साहब ने खुल के बयान दिया था स्टार्टिंग में मैं इसराइल के साथ हूँ, जो उन्होंने बोला कि जो टेरर अटैक हुआ ना उसके हम खिलाफ हैं और इस मामले में हम इसराइल के साथ खड़े हैं और वो बनता भी है भाई इस हिसाब से देखा जाए। लेकिन उस हिसाब से इतना तो नहीं ना, सारे का सारा कंट्री वो कब्जा है टेरर का, हालांकि फिर उनको पकड़ो मारो ना हकीकत में ये जो टेरर अटैक हुआ है ना ये भी इसराइल ने खुद करवाया है, बिल्कुल ये खून की कमराने के लिए इनकी बुरी आदत है जी। हो सकता है इन्होंने खुद करवा के अमेरिका है इतने लोगों को ऐसा है ताकि दुनिया हमें लानता ना करे, लेकिन दुनिया आज फिर कर रही है। आपने ये वीडियो भी देखी थी, वीडियो के अंदर ये बताया गया था हमास को तैयार करने वाले खुद इसराइल है, आपने खुद बोला था कि नहीं वीडियो देखी थी उसमें सच्चाई है या नहीं वो पता नहीं। अच्छा लेकिन ये भी तो है तारक साहब इतना भी सोचो, कब्जा ग्रुप तो अमेरिका है ठीक है क्लियर हो गया, लेकिन इंडिया इधर आके खड़े हो जाए ये कुछ छोटी बात प्लानिंग प्रॉपर पता है क्या है, अरब कंट्री जो है ना टोटल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी इसराइल स्ट्रॉन्ग है ऊपर से दुनिया की सुपर पावर का हाथ उसके ऊपर है, उसको डारी किसी का नहीं मेरे को हो जाएगा पाबंदियां फिर जो उसकी तरफ बढ़ता है अमेरिका कहता है मैं दो दूंगा पीछे हो जाओ हर कोई डर के ऐसे ही, इसीलिए उसका मान बढ़ गया हर जगह पे कब्जाता है चाइना और इसके अंदर फर्क है जमीन आसमान का, चाइना कब्जाता है पैसा देता रहता है मांगता है फिर जगह कब्जा आम जनता को नहीं मारता, ऐसी ये आम जनता को मार के कब्जा करती है, फर्क ये है हम दहशत गर्दों का साथ नहीं देते। एक तो ये भाई है अच्छा भाई साहब बिल्कुल वही है कौन सा मामला तो वाले आज भी दहशत गर्दी है फलस्तीन का जो एरिया कब्जा रखा है पहले वो तो पहले से कब्जा रखा है फलस्तीन का तो मामला ही पहले नहीं था, मामला ही गजा का था और नहीं है वो नहीं है भाई क्या होगा ये भाई साहब जब जो सीरिया का एरिया कब्जा रखा उसकी बात हो रही है कि वहां पर इसराइल जो है वो बना रहा है बिल्डिंग बना रहा है प्लांट बना रहा है टोटल ओवर है वो तो फलस्तीन सारा उन्होंने कब्जा लिया है किस्म का फलस्तीन में वही कुछ हो रहा है तो इंडिया क्या बोल रहा है दूसरी कंट्री के साथ बोल रहा है कि इस हिस्से को नहीं इसराइल को कब्जा चाहिए छोड़ना पड़ेगा सही बात है क्या ये मेरा सवाल है क्या मोदी भी साइड पे आ गया ज्यादा 145 कंट्री इधर आ गई क्या इसका कोई फैसला निकलेगा भी बाकी जगह छुड़वा ये सिर्फ वोटिंग ही होनी है मतलब इसराइल का कब्जा रहेगा यहाँ पे जो और गाजा को कब्जा लिया गया यहाँ पे जंग बंदी हो जाएगी कब्जा फिर गाजा पे भी इसराइल का जंग बंदी भी नहीं होगी इससे जंग बंदी भी नहीं होगी मतलब है कि इंडिया भी फिर साथ दे रहा है मैं जंग बंदी करवा देता हूँ एक किस्म की जगह आप ये भी कब्जा लिया और मैं भी अंदर से आपको वोट किया है उन्होंने असल बात है मैं वोट उनको दे रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं आपके साथ हूँ इसराइल के जब फैसला नहीं हो रहा तल्लुका तो फलस्तीन की जमीन वापस नहीं इसराइल से लेनी फिर इस मीटिंग बुलाएगा फायदा क्या यार बता मुझे ये मेरी बात सुन
फिर मुझे फायदा बता दे, फायदा आज तक कुछ हुआ ही नहीं, फायदा सीधी बात है। तो फिर फायदा क्या इस मीटिंग का? कुछ नहीं, ऐसे ही बस जाते हैं टाइम पास करने के लिए हुआ। तो मैं तुझे शुक्रिया मैं तो फिर अजलों से ये तुझे कह रहा हूँ, ये हाथी के दांत वाली बात है। तो फॉर्मेलिटी इंडिया ने फॉर्मेलिटी की है सिर्फ कि मैं फलस्तीन के हक में हूँ, ये इंडिया को इंडिया लेकिन फर्क कब पड़ता है यूएन का या अकवा मुतहदा का या मीटिंग का? भाई फलस्तीन की जो जगह कब्जाई की है वो वापस की जाए, उनको दी जाए, इसराइल अपने खित्ते में जाए, फिर तो हो गया, सुलह हो गई, एक जगह वापस हो गई। जिस तरह इसराइल ने जॉर्डन को लिबनान को लिया था इससे इसराइल से, इसी तरह ये भी फलस्तीन को वापस करना चाहिए इसराइल को, तब मैं मानूंगा कि फैसला हुआ है। इंडिया के आने का भी फर्क पड़ा है। ऐसा तो कुछ होना नहीं, क्या होना है? एक दो दिन बाद मीटिंग बाद क्या होना है? ये जंग बंदी होगी, हम करवा रहे हैं जंग बंदी, हो जाएंगे सारा फलस्तीन कब्जे में आ गया, बस ठीक हो गया। क्या वो जो मुजाहिद है वो मरते जाएंगे? क्या वो जंग बंदी हो जाएगी? क्या वो लड़ते रहेंगे? कितने हैं वो जो मर के 10,000 के ऊपर, उनका हिसाब कौन देगा? 11,000। अच्छा बस, तो इंडिया कहता है हम हर उस बंदे के खिलाफ है जो इंसानियत का कत्ल करता है। अच्छा, क्या जो 11,000 मर गए वो जंग लड़ रहे थे? वो मुजाहिद, मुझे एक मुजाहिद कोई हिंदुस्तान से बता दे किसी एक मुजाहिद को इसराइल ने मारा हो, एक मुजाहिद नहीं मरा। भाई दिखा दे, दिखा दे मुझे एक भी कोई मुजाहिद, वो नजर ही नहीं आते मारे गए, नजर नहीं आते मरे गए। चलो तेरी बात मान ले, 10-15-20 मर भी गए, उनको क्या फर्क पड़ेगा? मुझे क्या पड़े, मर तो गए 11,000, आप मान लिया 200 मरे, 200 की भीड़ को जो 11,000 चढ़े, उनका क्या कसूर था? उनका कसूर यही था कि वो गजा में पैदा क्यों हुए। अच्छा, तो फिर जो इसराइल में बेचारे मारे गए उनका क्या कसूर था? वो भी इसराइल में क्यों पैदा हुए? मतलब ये दोनों तरफ भुगत रहे हैं फलस्तीन में पैदा होने के, तो इसका हल नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए, मतलब जंग लगी रहनी चाहिए। ये इसराइल ने कब्जाना है आधा गाधा, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, किसी में ये 147 कंट्री 45 एक साथ नहीं हो गए, साइड खड़ी हुई इस तरह ना कर। अब अच्छा फिर एक और बता, तू हर वक्त वीडियो में कहता है ये रशिया और चाइना ने उकसाया इनको, ईरान ने उकसाया, ये कभी ये मतलब अपना मतलब निकाल रहे यूसुफ। अब मुझे बता, जब सारा फलस्तीन वो कब्जाए बैठे हैं, किधर गया चाइना या रशिया या ईरान? क्या उनको फायदा क्या हुआ ये सब? इसको उनको क्या फायदा हुआ? चाइना को क्या फायदा हुआ? कॉरिडोर नहीं बना, या तो चाइना का असला बिका हो ना उधर, या रशिया का कोई असला बिका हो इधर, दिमाग खराब करने वाली बात है। वो क्या फायदा हुआ? कॉरिडोर बन गया, उनको फायदा हुआ। कॉरिडोर सिर्फ उसके लिए सारा फलस्तीन का मोहर, रीढ़ की हड्डी आती है यार कॉरिडोर, ऐसे बात करता है। अच्छा फलस्तीन की कुर्बानी थी फिर, ये मैं कह सकता हूँ तो फलस्तीन के हमास ने कुर्बानी दिलवाई है यार। मैं वो कह, हमास को किसने उठाया फिर से? इसने उठाया चाइना ने, यही तेरे कर इतना चाइना ने रशिया ने उठाया ना, फलस्तीन की कुर्बानी दी गई है फिर ये कह सकता है। कुर्बानी दी गई है तो ये वही बात, कुर्बानी फलस्तीन की हुई हमास को उठा के और फलस्तीन को इसराइल ने कब्जा लिया, यही हुआ ना। अच्छा अगर ये कॉरिडोर फिर अगर बन गया फिर क्या होगा? अब बनने वाला फिर वो बना ले, क्या होगा? तो बहुत बन जाए, अगर फिर बन गया फिर चाइना कहा गया वो यार, वो फिर कोशिश करेंगे रोकने की, फिर एक और कंट्री को मरवाएंगे। वो कंट्री कौन बता रहे जिसने और कुर्बानी करी वो बता? अच्छा मेरी बात है, कुर्बानी फलस्तीनियों की, जॉर्डन की पूरी बात सुन ले, एक मिनट तेरी। हमास का लीडर है आतंकवादी, दहशत गर्द है वो। अच्छा, उसको मिले पैसे कि आप अटैक करो। अच्छा, वो पैसे लेके कतर में बैठा है। अच्छा, उसने उसके पास फाइटर थे, उसने अटैक कर दिया, ठीक है, चाहे ईरान ने असला दिया जिधर से दिया, उसे मिले पैसे, इस्तेमाल कौन हो रहा है? वो मुजाहिद जिनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, आम जनता मर रही है, वो तो जो हमास का। अच्छा, वो बैठा है कतर में। अच्छा, पैसा पैसा किसने कमाया? अच्छा, लीडर कतर के 4-5 लीडर उसको मिल गया, मरे कौन? आम जनता। जो इसराइल का हुआ है क्या वो इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या उसको नहीं जो दिल्ली से बोल रहे इसके बारे में इधर मरवाए जा रहे हैं? पहल किसने? क्या वो पहल बिछाकी ने किया? क्यों की है? उधर भी तो जो मार रहे हैं फिर इसको दहशतगर्द बोल, उसको भी हमारे जो उसने मरवाया है उसको भी बोल, उसको भी उन्होंने
नेतन्याहू को भी बोल डरता है उससे। अच्छा भाई हमारे नेतन्याहू को बोल वो भी दहशतगर्द है, आम इसराइल को उसको भी दहशतगर्द बोलना, वो भी अमेरिका के प्रभुत्व है, उससे पैसा लेके आम इसराइल जो है जिनको जान का पता नहीं उसको मरवा रहा है। और दुनिया में सबसे क्या नेतन्याहू की बेटी बेटा वालद किसी को मारा मुझे तो नहीं, क्या पूरी पूरी कबीना को किसी ने मारा है, वो तो अमेरिका में बैठे हैं। एक जब लीडर होता है ना जो कोई बदला है बात करो, वो इंसानियत, वो जो इसराइल में मार रहे हैं वो दहशतगर्द नहीं है नेतन्याहू, जो इधर हो गए वो दहशतगर्द हो गए इस्तेमाल हो रहे, वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहे उसको, ये नेतन्याहू को नहीं दहशतगर्द बोलेगा, बेगैरत के बच्चे को कोई दहशतगर्द नहीं होगा, वो खोती का बच्चे को नहीं दहशतगर्द बोलेगा, वो भी तो दहशत आम इंसानों को मरवा रहे ना, इसराइल के बाद उसके खिलाफ खड़ी हुई है। और ये बंदा क्यों अक्की बंद करके बैठा है यार, मुझे समझ नहीं आती, नेतन्याहू को दहशतगर्द नहीं बोलेगा जो वहाँ मरवा रहे हैं, मुजाहिदों के हाथों से मरवा रहे हैं उनको नहीं बोलेगा। अच्छा पाकिस्तान हमास वालों को दहशतगर्द बोल रहे हैं, पाकिस्तान का बोल क्या बात है, प्राइम मिनिस्टर उसको बोलेंगे डिक्लेयर करे उसको कैसे करेगा दहशतगर्द, कैसे करता है किसको दहशतगर्द, अब दुनिया 147 इससे दहशतगर्द साबित नहीं होता, तो यार साबित नहीं होता लेकिन दुनिया जानती है कि आम लोगों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट पड़े उनका क्या, उन्होंने क्या पानी के प्लांट जमीन तबाह कर दिए, बिजली के प्लांट तबाह कर दिए, सबूत तबाह कर दिए, ये इससे बड़ा दुनिया में कोई जुलम है, सबूत काला यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हाजिर वो दबा के बुझाई गई, हिम्मत है तो बुझा दो तो जमीन से ढूंढ के मारो, पता तब चले, उधर तो आपको पता नहीं चलता, आपके 300 फौजी उन्हें पकड़ लिए, टैंक दबा कर दिए, जहाज दबा किए, बुझा दो तो उनको मारो ना, आम जनता की क्यों मारो। अच्छा 300 को लेकर बैठा है जो जो आम जनता भरी गाजा में उनका क्या कसूर है, या इसराइल में जो मार रहे उनका क्या कसूर है बता, उनको तो दहशतगर्द नहीं बोलेगा, हमास वालों को दहशतगर्द बोल रहे हैं, दहशतगर्द है हमास वाले, तो उसको बेगैरत के बच्चे को भी बोलना, नेतन्याहू को भी, तेरा अबू है वो नहीं दहशतगर्द, तेरा अबू है जिससे तू डरता लेके खाता तू उससे, क्यों अबू है बोल उसको, मेरा अबू तो भाई तू डरता किस तू उससे, मैं क्यों डर रहा हूँ, तेरा अंधाता है क्यों डरता तू नेतन्याहू, तू उसके खिलाफ लफ्ज नहीं बोलता, नहीं बोलूंगा, तेरे से बड़ा बेगैरत फिर कौन है, ज़ेलेंस्की से बढ़कर ये बड़ा दहशतगर्द, बड़ा दहशतगर्द जो अपने लोगों को, उन्होंने अपने अच्छा गजा में बेशक बेशक। अच्छा वो कैसे हो गया भाई साहब, उसने अपने अवाम को नहीं मरवाया, अब्बास वाले ने अपने अवाम को मरवाया, इधर आएगा लक्की को भी नहीं बोलेगा दहशतगर्द, नेतन्याहू को भी नहीं बोलेगा, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर इसके साथ है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सोच देखो इस बंदे की सोच, हैरानगी खुदा की, देखो मुजाहिदों को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, सिविलियन को क्यों मार रहे हैं, इतनी सिविलियन को क्यों मार रहे हैं, थोड़ा तो सोच, तू पढ़ा लिखा है भाई, उनका मकसद है जमीन, जमीन को कब्जा, अमेरिका ने इसराइल को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और धीरे धीरे अरब कंट्री जो गरीब में है सबको कब्जाएंगे भाई, ये मिशन है, अरेबिक ममालिक को ये कब्जाएंगे उन पर, तो मिशन लेकर चल रहे हैं, तो ना पंगा लो से, तो उसको दहशतगर्द बोलना, नहीं बोलूंगा, कब्जा करो बोल ना, पहले उंगली लाओ तो ना लाओ बात, कब्जा करो बोल की तरफ से है, क्यों नहीं देते, तो कब्जा करो तो बोल, अच्छा मेरी बात, कब्जा ग्रुप बहुत दुनिया का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप कौन है, अमेरिका और इसराइल है कि नहीं, नहीं है, चाइना को कहता है जो पैसे देता है उसको कहता है, जिन्होंने कभी आम सिविलियन को मारा ही नहीं, जंग ही नहीं लड़ी, मैं तो भाई पैसे दे के उनको कमजोर कर लेता, लड़ता भी नहीं, उनको कहता है कब्जा ग्रुप पे जो आम जनता को मारते है दहशतगर्दी फैलाते है, उनको कहता है दहशतगर्द नहीं है, वो कब्जा ग्रुप नहीं है, पाकिस्तान के कहता है ये कब्जा ग्रुप है, ये दहशतगर्दी को हमारे सारे चूड़ियां बैठे अमेरिका के पिट्ठू है, देखता हूँ इनकी औकात क्या है, वो तो मुनाफा दिखा रहे हैं, तो कहा तुम लोगों की पता चल गई ना, ये 57 कंट्री को पहले ही पता है, मैंने तुझे बताया था, अगर वो खड़े हो गए ना, अगर खड़े हुए तो फिर इनका कुछ नहीं बचेगा, तो अमेरिका इजराइल का, वो खड़े ही नहीं हो रहे, तब हम क्या करें, पता क्या है, किसी ने इंडिया से पैसा लिया, किसी ने अमेरिका से लिया, किसी ने वर्ल्ड बैंक से लिया है, किसके तजारत इसराइल के साथ है, उनके पैसे लगे हुए हैं, वो कमजोर है, वो पैसा मांग रहे हैं, उनकी कंट्री में दिवालिया हो जाएगा, इस वजह से चुप बैठे, उनकी आवाम उधर कारोबार विनष्ट कर रही है, इसलिए वो चुप बैठे, अपने अपने पेट को बचा रहे हैं,
वो नहीं देख रहे कि बेचारे फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है। समझ आई? जो हो रहा है उनके साथ उनकी अपनी गलतियों की वजह से। मैं मानता हूँ इस बात को भी, मेरी बात मैं ये मानना चाहता हूँ। इसराइल उनको इजाजत देता है, उनके बच्चों का पेट पालने की इजाजत देता है, वो काम जा करते हैं। दुनिया की जालिम जालिम दुनिया का ये नाम और जो बैडन है उसको ये बंदा जालिम नहीं कहता, ये प्यूटन को जालिम कहता है, हमास को जालिम कहता है। कुछ दिन और रुको, ये खबरें निकल कर सामने आएंगी कि हमास को भाई ये अटैक जो करवाया ये इसराइल ने खुद करवाया, और खुद अमेरिका ने करवाया, इसराइल ने भी खुद करवाया। हमास को पालने वाला इसराइल खुद है। भाई साहब जो मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे माइंड में जितना मैंने ऑब्जर्व किया चीजें, ये कॉरिडोर बन रहा था इसराइल को, तो इससे फायदा होने वाला था इसराइल। और यार ये तो साथ करवाया फायदा है, फिर चाइना और रशिया क्यों चुप बैठे हैं बता मुझे? या फिर ये इनकी साजिश थी, बस कॉरिडोर का नाम लेना है और हम जाएंगे फलस्तीन के हाथ में चले जाएंगे, तो आप थोड़ी दिन हमारे खिलाफ बोल लेना, बाद में क्या होगा फैसला किसका होना नहीं, हम है अंदर से आपके साथ। वो कब से इंडिया की धीरे धीरे ये प्रीति है, ऊपर से इंडिया दिखा रहे हैं वो फलस्तीन के बारे में, सारा फलस्तीन मतलब। तो तब हो ना अगर इंडिया आवाज ले, स्टैंड लेके बोले कि हम इस हक में इसराइल और फलस्तीन के बाद जगह को कब्जा हुआ वापस किया जाए, उनको उनका राइट दिया जाए। तो ये तो वोट इस हक में ही हुआ है, वोट ये किस बात का हुआ है? तो वोट से कोई फायदा नहीं पड़ेगा, जब इसराइल छोड़ेगा नहीं, फिर ये जाकर तो ये अकेले उनके साथ बात नहीं खराब कर सकते, इन सारी कंट्रीज का आवाज जब भाई 145 के साथ वो भी खड़े हो गए। मैं वही कह रहा हूं, आवाज उठाने से नहीं, पाकिस्तान भी करके दिखा भाई साहब, न्यूक्लियर वाला कंट्री को बोले ना, पाकिस्तान को बोलो जाके पाकिस्तान में तो जो बैठे हैं घूमत चला रहे मुनाफक है। अगर मेरा खान बैठा बोलो, अगर इमरान खान इधर बैठा होता, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर होता, तब मैं देखता ये इस्लामी कंट्री क्यों नहीं उठते, ये उठते भी और लड़ते भी, क्यों? पावर हमारे वजीर आजम काफर में नहीं है, हमारे यहाँ तो मनी आर्मी चीफ में नहीं है, हमारी अदालत में नहीं है, ये सारे है क्या कट पुतली है इनके पास, बुरे शब्द बड़ा ये ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं हमारे पाकिस्तानी बड़े बड़े, तो तुम्हारा जूता पॉलिश करते हैं, तुम्हारे बाल पॉलिश ना, अगर खान होता तो जूता पॉलिश ना करते, 57 कंट्री मेरी बात 57 कंट्री उठ के खड़ी होती अभिनंदन और ये होता जूता पॉलिश करने वाले उसने इंसानियत की खातर छोड़ा था, अमन की खातर, अमन की खातर वो कह रहे हैं कि हमने एयर स्ट्राइक करके 300 बंदे को मारा इंडिया, अमन की खातर नहीं, तू पाकिस्तान में बसता तेरे करीब ही मियां चलूंगा, बता मुझे कितने मरे, कितने बंदे मरे, कुरान खान के ऊपर रख के बता कितने बंदे, गवर्नमेंट बात बातें, एक बंदा बता दे, एक बंदा भी बता दे, एक कोई बंदा, कोई कुत्ता भी मरा बता दे, बंदा जो इंसान जो कुत्ता मरा ही बता दे, एक मरा। अच्छा भाई साहब, इंडिया बता कि मैंने दहशत गर्दों के एक कैंप बना था उधर अटैक किया, बता पाकिस्तान मान जाता कि भाई हमारे दहशत गर्द मरे हैं, यूएन में जाती बात ये भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पर ये छुपा लेते, तो छुपाई है तो बीच बीच कहीं ना कहीं से तो खुल के आता जब इलाके में वाकयात होते हैं गिर्दो दिमाग में पता चलता है, लेकिन भाई साहब दिमाग दब जाती है, निकल ही जाती है, तेरा दिमाग पागल हो गया, पाकिस्तान में कौन सी बात छुपी रहती है भाई साहब, इधर तो छुपाई जाती ही नहीं, इधर तो ये भी बता देते हैं टॉयलेट के अंदर कौन गया कितनी देर बैठा है, ये भी बता देते हमारे मीडिया वाले। अच्छा एयर स्ट्राइक नहीं हुई पाकिस्तान, अगर मैं तेरे इमरान खान के मुंह से बात सुनवा दूं एयर स्ट्राइक की इंडिया ने, फिर वो इंडिया कब से कर रहा है कोई नई बात है? अच्छा एयर स्ट्राइक फिर ऐसे ही जाती है, वो तो मियां चन्नू ने किया था, उसका बता एयर स्ट्राइक करते इमरान खान उस वक्त क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? अब कहने का यहाँ मतलब ये भाई जो आज की हुकूमत ना खान होता ना तो यकीन मानो आवाज उठती, आवाज भाई वो भी आवाज उठा के साथ में लड़ते है, जिस तरह करना पड़ता करते है, ये पता क्या है, नवाज शरीफ तो चुप कर बैठा है, वो अफगानिस्तान भी नहीं है 2 साल पहले। अच्छा नवाज शरीफ आया 6 साल के बाद, उसने एक लफ्ज नहीं फलस्तीन के हाथ में बोला। अच्छा मेरी बात सुन, हिसाब ला रहे
दो साल पहले भी हमास वालों ने अटैक किया था, उस वक्त भी जंग लगी, दो साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, क्या इस तरह की जंग लगी थी इमरान खान के? इस तरह की जंग जंग ही होती है। फिर इंडिया में पाकिस्तान की आर्मी ने फायरिंग की है, उधर से इधर होती रही, होती रहती। अच्छा, ये होती रहती। अगर इमरान खान था तो ये करता, इंडिया को मुसलमान पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान के दौर में इंडिया के फौजियों को मारा है। मैं तुझे बता दे तू कितने फौजी मारे इंडिया के, मैं तुझे बता देता हूँ इंडियन आर्मी को मारा है 2018 के बाद जो इंडिया ने फायरिंग की, उधर इधर भी हमारे भी मरे, हमारे पास उनके भी फौजी मरे, ये होता रहता है। वो डर खौफ नहीं था, वो डर ही था, डर ही था, डर ही था। बस डर की बात करता है। चलो ठीक है, मैं अपनी रूप तक कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, मेरे साथ तब तक इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह।